हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक मिलिट्री कंपैरिजन करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि इन दोनों देशों की मिलिट्री पावर्स एक दूसरे के कंपैरिजन में कितनी अलग हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया और पाकिस्तान मिलिट्री पर्सनल के मामले में दुनिया की लार्जेस्ट मिलिट्रीज में आती हैं और इन दोनों देशों के मिलिट्रीज ने हाल ही के दौर के एक रैपिड मॉडर्नाइजेशन का अनुभव भी किया है। ये दोनों देश इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आती है जो इंटरनेशनल बॉर्डर से डिवाइडेड है। मैं आपको बता दूं कि इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर दुनिया के सबसे डेंजरस बॉर्डर्स में आता है जो 24/7 कड़ी सुरक्षा में घिरा रहता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम जानेंगे कि मिलिट्री पावर के मामले में इन दोनों देशों में से कौन सा देश आगे है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। नासा की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर पर लगी 15,00,000 से अधिक फ्लडलाइट की वजह से इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर उन चुनिंदा बॉर्डर्स में से एक है जिन्हें स्पेस से भी देखा जा सकता है। इंडिया चाइना के बाद दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश है जिसकी पॉपुलेशन करीब 1.31 बिलियन है। और अगर बात करें पाकिस्तान की पॉपुलेशन की तो पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन 197 मिलियन है जो इंडिया के मुकाबले काफ़ी कम है। लेकिन ओवरऑल पॉपुलेशन में इतना डिफरेंस होने के बावजूद भी दोनों देशों में मिलिट्री में सर्व करने वाले पर्सनल की पॉपुलेशन में इतना डिफरेंस नहीं है। पाकिस्तान मिलिट्री में 6,43,800 एक्टिव मिलिट्री पर्सनल है और 5,13,000 एक्टिव रिजर्व पर्सनल हैं, जबकि इंडियन मिलिट्री में 1.4 मिलियन एक्टिव मिलिट्री पर्सनल्स हैं और 11,55,000 एक्टिव रिजर्व पर्सनल्स हैं। मिलिट्री पर्सनल के मामले में इंडियन मिलिट्री अमेरिका और चाइना के बाद दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट मिलिट्री में आती है, लेकिन पाकिस्तान भी इस लिस्ट में ज़्यादा पीछे नहीं है। मिलिट्री पर्सनल के मामले में पाकिस्तान 6th पोजीशन पे आता है। दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट मिलिट्री यानी कि इंडियन मिलिट्री के पास 2 मिलियन पर्सनल वाली पैरामिलिट्री फोर्स भी है जिसका काम इंडियन मिलिट्री को और भी ज़्यादा मजबूत करना और सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा और शांति कायम करना है, जबकि पाकिस्तान की पैरामिलिट्री फोर्स में सिर्फ 4,00,000 पर्सनल ही शामिल है जो इंडियन पैरामिलिट्री फोर्स के सामने काफ़ी कम है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि दुनिया की तीसरी लार्जेस्ट GDP होने के कारण इंडिया के पास अपने मिलिट्री पावर में खर्च करने के लिए पर्याप्त धन की कमी नहीं होगी। इंडिया के पास $4.489 trillion की GDP है और इसका साल का डिफेंस बजट $55.9 billion है, जबकि पाकिस्तान का डिफेंस बजट इंडिया के मुकाबले काफ़ी कम है क्योंकि इसका साल का डिफेंस बजट $7.6 billion है और इसकी GDP $1.011 trillion का सिर्फ 3.5% है। अगर बात करें इन दोनों देशों की लैंड बेस्ड मिलिट्री पावर की तो इंडिया काफ़ी समय से अपनी मिलिट्री इक्विपमेंट को अपग्रेड करने के लिए बड़ा निवेश करता आ रहा है। इंडिया के पास 4,426 टैंक्स, 6,704 आर्म फाइटिंग व्हीकल, 290 सेल्फ प्रोपेल्ड गन, 7,414 टोर आर्टिलरी और 292 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम हैं। जबकि पाकिस्तान के पास एक स्मॉल डिफेंस बजट होने के बाद भी पाकिस्तान के लैंड इक्विपमेंट की संख्या भी काफ़ी इम्प्रेसिव है। हालांकि पाकिस्तान के लैंड इक्विपमेंट को इंडिया के कंपैरिजन में ज़्यादा एडवांस नहीं कहा जा सकता क्योंकि पाकिस्तान के पास 2,924 टैंक्स, 2,822 आर्म फाइटिंग व्हीकल्स, 465 सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स, 3,278 टोर आर्टिलरी और 134 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। पाकिस्तान की लैंड बेस्ड मिलिट्री इक्विपमेंट में सबसे फेमस अल खलीद मेन बैटल टैंक है
इसे पाकिस्तान आर्मीज आर्मर्ड कोर का बैकबोन भी कहा जाता है। इसके मुकाबले में इंडिया ने एक सुपीरियर मशीन डेवलप की है जिसका नाम है अर्जुन MK2। अर्जुन MK2 इंडिया का थर्ड जनरेशन का मेन बैटल टैंक है। अगर बात करें एयर बेस मिलिट्री पावर की तो यहाँ पर भी इंडिया के पास पाकिस्तान के कंपैरिजन में ज़्यादा एडवांटेजेस है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स पर्सनल्स और एयरक्राफ्ट के मामले में दुनिया की फोर्थ लार्जेस्ट एयरफोर्स में आती है। इंडियन एयरफोर्स में करीब 1720 एयरक्राफ्ट हैं, जबकि पाकिस्तान एयरफोर्स में सिर्फ 961 एयरक्राफ्ट ही हैं। और इस बात में भी कोई शक नहीं है कि टेक्नोलॉजी के मामले में भी इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान एयरफोर्स के मुकाबले आगे है। इंडियन एयरफोर्स फ्लीट में रशियन Su-30 MKI, मिकोयल MiG-29 और मिराज 2000 जैसे एयरक्राफ्ट शामिल हैं, जबकि पाकिस्तान एयरफोर्स में F-16 फाइटिंग फाल्कन, PAC-JF-17 थंडर और डेसॉल्ट मिराज जैसे एयरक्राफ्ट शामिल हैं। अगर बात करें इन दोनों देशों की नेवी पावर के बारे में तो यहाँ पर भी इंडियन नेवी दुनिया की सबसे पावरफुल नेवी में गिनी जाती है। इंडियन नेवी के कंपैरिजन में पाकिस्तान नेवी की पावर काफ़ी कम है। इंडियन नेवी में 67,109 पर्सनल्स हैं, जबकि पाकिस्तान नेवी में 30,700 पर्सनल्स हैं। नेवी इक्विपमेंट के मामले में इंडियन नेवी के पास 1 एयरक्राफ्ट कैरियर, 0 क्रूजर्स, 11 डिस्ट्रॉयर्स, 14 फ्रिगेट्स और 15 सबमरीन, 23 कॉर्वेट्स और 0 एम्फीबियस असॉल्ट शिप, 7 माइन वॉरफेयर शिप और 72 पेट्रोल शिप्स हैं, जबकि पाकिस्तान नेवी में 0 एयरक्राफ्ट कैरियर, 0 डिस्ट्रॉयर्स, 10 फ्रिगेट्स, 8 सबमरीन, 0 कॉर्वेट्स, 0 एम्फीबियस असॉल्ट शिप, 3 माइन वॉरफेयर शिप और 17 पेट्रोल शिप्स हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप हमें कमेंट करके बताइए अभी कौन सी मिलिट्री ज़्यादा पावरफुल है। सो फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, हम मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। Thank you.